सो फ्रेंड्स, ये रही सेकंड वीडियो जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कल की जो वीडियो थी उसमें हमने बहुत बतौलेबाजी की थी। मैंने आपको गलत सही बताया था, कौन कैसे पढ़ाता है ये भी बताया था, और किस चीज का क्या मतलब नहीं होता है ये भी बताया था। एम राइट? तो फालतू के चक्करों में ना पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई मुझे से सीखो, किसी से भी सीखो, ढंग का सीखो। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये बंदा किताबी लैंग्वेज से पढ़ा रहा है, मत पढ़ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी आप ही को। राइट? तो पहला जो पार्ट था उसमें हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पूरा बेसिक उसमें पढ़ाया है आपको, बेसिक इस वीडियो में। जो लोग नए हैं इस वीडियो में, वो पहला पार्ट जाके देखिए, उसमें बेसिक है पूरा। राइट? 27 मिनट्स का वो वीडियो है, उसको देखिए अच्छे से और फिर इस पे जंप करना, क्योंकि हम बिल्कुल सिक्वेंस से सीख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन वी विल कम ऑन प्रेजेंट सिंपल टेंस। राइट? तो ऐसे करके हमको सारे टेंसेस अच्छे से सीखना है। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आपका मन करता है कि आप कमेंट भी करना बनता है तो करिए, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हम सेकंड टेंस सीखेंगे, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज्यादा लंबी नहीं खींचनी है वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑलराइट, आइए देखिए, जब इंग्लिश हम सीखते हैं तो इसमें एक चीज होती है, हम जिसको बोलते हैं वर्ब, मेन वर्ब, ये चीज होती है। आपने देखा है कल की वीडियो में, आपने सीखा भी है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और थर्ड जो होती है वो होती है मेन वर्ब। राइट? और मेन वर्ब जो होती है उसकी चार फॉर्म्स होती है, देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और लास्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। कुछ लोग बोलते हैं फाइव फॉर्म्स होती है, बट हम इस पे काम नहीं करेंगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सीखना। चार फॉर्म होती है। जैसे भाई जाना क्या होता है, गो होता है भाई, फर्स्ट गो, सेकंड Yes, went, third gone, and ing going। ये बताने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं है, ना 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 ना, बात कुछ और है। बात ये है कि इन चारों फॉर्म्स के अपने रूल्स होते हैं। आप अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है, कभी ऐसे बोलते हो, किसी को सुना है आई विल गोइंग? नहीं ना। कभी ऐसा सुना है आई एम वेंट? कभी ऐसा सुना है I have going? नहीं होता ना। चूंकि हर एक auxiliary verb के साथ form decided होती है कि भाई अगर SMR आ रहे हैं तो ing आएगा, have has आ रहा है तो third form आएगी, अगर past की बात कर रहे हैं तो second form आएगी, can, could, may, might, will, shall, should, would इनके साथ first form आती है। तो हर एक auxiliary verb की एक form decided है, बस मुझे इतना आपको बताना था। चूंकि आज हम जो perfect tense सीखेंगे वहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। Am I right? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि है क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले सीख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। और मैं तो बिल्कुल मुंह पे बोलता हूं, किसी के भी कीड़े पड़े सालों के अगर कुछ ऐसा बताए वो आपको, होता कई मां साहब लोग बताते हैं भाई बाकी के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, तो वहां पर हैव और हैज का यूज कर देते हैं। भाई साहब ऐसा बुकों में लिखा है, पर ऐसा हम, अब यार आप खुद से पूछो, मुझसे नहीं, खुद से पूछो, दिन भर में आप कितनी बार चुका चुकी बोलते हो? मुश्किल से एक या दो बार बोला जाता होगा शायद से। और ठीक है, अगर आपको लगता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर लास्ट में आए बाकी के अंत में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो भाई साहब ठीक है, मैं थक चुका हूं। ये लो, चुका चुकी आ रहा है, बनाओ हैव से अगर आपसे बन जाए तो। इसकी अंग्रेजी होगी आई एम टायर्ड, यही होगी, कुछ भी कर लीजिए। अब कहां गया आपका चुका चुकी, हैव हैज कहां गया आपका? तो ऐसे नहीं होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके साथ हैव हैज आता है, मानते हैं बात, बट इसकी हिंदी क्या होती है और ये एक्चुअल में कब यूज होता है, ये हमें इस वीडियो में सीखना है। पर इन ढकोसलेबाजी में ना रहे कि चुका चुकी आया तो हैव हैज लगा, आधे से ज्यादा बच्चे इसी में बर्बाद हो गए हैं। राइट? सो आई वुड लाइक टू से कि ऐसी चीजों में ना पड़े जो आपको आगे जाके आपकी बैंड बजा दे। तो बात को समझने की कोशिश करिए, चुका चुकी से हम टेंस नहीं सीखेंगे, ना तो रहा रही से, लॉजिकल चीजें सीखना है। भले ही हम टेंस पढ़ रहे हैं बट उसमें भी लॉजिक होता है। राइट? तो अब हम टेंस को आगे बढ़ाएंगे कि परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता
है क्या, राइट दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हो, अंग्रेजी सीखने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड इज मेन वर्ब। अगर किसी को ये नहीं पता तो फर्स्ट पार्ट जाके देखे, सब मिल जाएगा। दूसरी चीज हमने सीखी थी, अंग्रेजी में तीन फॉर्मेट होते हैं, आपको सबको पता होगा, मैंने कल भी बताया था। एक होता है क्वेश्चन, और इस एक क्वेश्चन के दो होते हैं आंसर्स, अमेरिकन इंग्लिश आंसर, ब्रिटिश इंग्लिश आंसर, आपकी मर्जी जो आपको बोलना हो। एक होता है हां, तू हां कर या ना कर, मैं हूं तेरी किरण, राइट। एक होगा क्वेश्चन, दो होंगे आंसर्स, यस और नो। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है भाई, या तो आप यूज करेंगे हैव या आप यूज करेंगे हैज, हैव और हैज, ये दो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाती है, राइट। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो सब्जेक्ट भी तो चाहिए ना, मतलब डूअर, ये लो भाई। Have जो होता है आई के साथ आता है, यू के साथ आता है, और कोई भी प्लूरल जो होगा डूअर सब्जेक्ट उसके साथ भी हैव ही आएगा, यानी कि प्लूरल लिख लेते हैं। अब आप कोई ये बताना जरूरी है नहीं, आप इतने भी बच्चे नहीं हो कि आपको मैं बताऊं यू वी दे, राइट, और भाई पीपल चिल्ड्रन ये प्लूरल होता है, भाई प्लूरल मीन्स मोर देन वन, बात खत्म। और हैज जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है, आपका ही शी इट और नेम, इन सबको बोला जाता है सिंगुलर। लो भाई, तो हैज इनके साथ आएगा, हैव भी आएगा। अब बात आती है वर्ब, जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ही आती है हैव और हैज के साथ, ये याद रखिएगा। जैसे कल हमने आपको कसम खिलवाई थी इज एम आर के साथ, ing form की कसम खाइए, ऐसे ही have has के साथ कसम खाइए, थर्ड फॉर्म लगाएं। ऑलराइट, ये रहे हमारे साथ, हमारे सामने तीनों चीजें, auxiliary verb, subject और main verb, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हमें तीनों चीजें मिल गई। अब बस इसको फॉर्मेट में लगाना है विद हिंदी और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेडी हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा मैंने पास लिख लिया, इसको दूर करता हूं। क्वेश्चन, यस एंड नो, ऑलराइट, ये रहा हमारा फॉर्मेट, यहां पर मैं लिख दूंगा। चलिए भाई, अब आपका टेस्ट, बताइए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। यस सर, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, वेरी गुड। अब अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूं, अगर मैं यू से क्वेश्चन करूं तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या जाएगी, हैव, सब्जेक्ट क्या है, यू, और लास्ट में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा क्या, क्वेश्चन का फॉर्मेट। लेकिन इसकी हिंदी क्या है सर, मैं बताता हूं, जब भी सामने वाले से पूछना हो कि क्या आपने या तुमने या तूने ऐसा काम, कौन सा काम, ऐसा काम कर लिया या ऐसा काम कर दिया, तो आप भाई साहब पूछोगे हैव यू, ये रही हिंदी आपके सामने, चुका चुकी लगा लो आपकी मर्जी, बट मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, राइट, क्या आप ऐसा काम कर लिया, हैव यू। आपको मुझसे कंफर्म करना है कोई ऐसा काम जो आपको नहीं पता मैंने किया है या नहीं, कंफर्म कर लो मुझसे, काम मतलब वर्ब, आपको मुझसे कंफर्म करना है भैया फीस जमा करना, जैसे मैं आपका स्टूडेंट हूं आप मुझसे पूछे क्यों बेटा आपने फीस जमा कर दी, अब पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, लो भैया पूछ लो, हैव यू पेड फी, कितना सिंपल है यार, हैव यू पेड फी, थर्ड फॉर्म क्यों आ रही, हैव इसके साथ थर्ड फॉर्म ही आती है दादा, क्या करें, राइट, क्या आपने फीस जमा कर दी, हैव यू पेड फी, अच्छा क्या आपने ट्वेल्थ पास कर ली, हैव यू पास्ड ट्वेल्थ क्लास, अच्छा फोन पे बात करते, हेलो, अरे हाँ नमन, मैं ये बोल रहा था तुमने बेटा पैसे जमा कर दिए क्या, हैव यू डिपॉजिटेड मनी,
अच्छा सुनो, आप जो सामने, आप जो बैठे हो, जो वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड? समझना अंडरस्टैंड, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड? हाँ सर, आ गया समझ में, आंसर पे आ रहे हैं, राइट? और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सुनो, आपने नहा लिया क्या? हैव यू टेकन अ बाथ? कुल मिला के बात यह है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब सामने से किसी से कंफर्म करना हो कि क्या तुमने ऐसा काम कर लिया, कर रहे हो, नहीं कर लिया, खत्म कर दिया, हैव यू आता है, बात खत्म। अब बात आती है आंसर की। सबसे पहले हां वाला आंसर, जब भी आपने कोई काम कर लिया ना आपने खुद ने, तो आप बोलेंगे आई हैव, और जो भी काम किया है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपने कोई काम नहीं किया, आई हैव नॉट, जो काम नहीं किया उसकी थर्ड फॉर्म। लो भैया ये मिल गया। हिंदी, मैंने ऐसा काम कर लिया या कर दिया, है ना? नेगेटिव, मैंने ऐसा काम नहीं किया या, हाँ नहीं किया, ठीक है नहीं किया, ओके। ये रही हिंदी, ये रहा है रूल, ये रही हिंदी। अब जो भी काम आपने करे ना अपनी लाइफ में आज तक, आई हैव से बता दो सब। चलो भाई, क्या आपने शादी कर ली? पॉजिटिव या नेगेटिव? जिसने कर ली वो क्या बोलेगा? आई हैव गॉट मैरिड। पर हम लोग तो खुश दिख रहे हैं ना, हमने नहीं किया है। आई हैव नॉट गॉट मैरिड। अब कितने लोगों ने आज नहाया है? सब बोल देंगे आई हैव टेकन अ बाथ। पर कुछ पापी लोगों ने नहीं भी नहाया होगा मेरे जैसे ना, तो आई हैव नॉट टेकन अ बाथ, नहीं नहाया भैया। भैया आपने लंच कर लिया? हाँ भाई, आई हैव टेकन लंच। सर नहीं किया सर, आई हैव नॉट टेकन लंच। अच्छा सुनो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया? हाँ सर मैंने तो कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। नहीं सर मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। देखिए ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या टफ है, समझाने का तरीका होना चाहिए, सब सिंपल है। तो इस तरीके से अच्छे से लिखिएगा, रूल्स बनाइएगा। अब हम आते हैं थर्ड डूअर के लिए, मतलब सब्जेक्ट के लिए, कौन से? ही शी इट और नेम के लिए, जहां हमारा हैस कंप्लीट होगा। ऑलराइट चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर जो भी इन वीडियोस को देखेगा और इसको वैल्यू पता होगी कि रूल्स ऐसे सीखे जाते हैं, वो जरूर लाइक करेगा, उसको पता है कि कितनी क्वालिटी वाइज हम चीजों को सीख रहे हैं। वेल, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमारा चल रहा है जहां पर हमने आई और यू के लिए चीजें सीखी। अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट के लिए जो कि है थर्ड डूअर, राइट? सब्जेक्ट, और उसके साथ आएगा ऑक्सिलरी वर्ब हैज, राइट? अब सिंपल सी बात है, अगर हमें क्वेश्चन ही के लिए करना है तो हैज आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले भैया, हैज ही आएगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर आएगा डूअर यानी कि सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लो भैया, पर सर इसकी हिंदी क्या है? वही हिंदी है जो आपको पता है, चुका चुकी मत लगाना। क्या उसने ऐसा काम कर लिया या कर दिया? और गधे हैं वो लोग, उल्लू के पट्टे हैं, जो यहां पर ही का मतलब वह बताएंगे। क्या वह ऐसा काम कर लिया? गधे है, बिल्कुल गधे है, मुंह पे बोल रहा हूं, बुरा लगता है लग जाए। ही का मतलब वह नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करें यार। चलो भाई क्वेश्चन पूछते हैं, सुनो। क्या उसने आपके पैसे लौटा दिए? हैज ही, लौटाना रिटर्न होता है, थर्ड फॉर्म, रिटर्न योर मनी, हैज ही रिटर्न योर मनी। क्या उसने आपके पैसे लौटा दिए? सुनो, क्या उसने आपको धोखा दिया है? हैज she or he cheated on you, right? सुनो, क्या उसने फीस जमा कर दी? has she paid fee? ऐसे ही मैंने पूछा। सुनो, क्या वो आ गई? has she come? come की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, came नहीं होती, came second होती है। has she come? क्या वो आ गई? आंसर में आपको अच्छे से पता है सब, आंसर में क्या आता है भाई? सबसे पहले
सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी वर्ब? हाँ सब्जेक्ट आएगा, ये लो। सब्जेक्ट क्या है? या तो ही या शी, या नाम लगा लो आपकी मर्जी, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो भाई हिंदी, उसने ऐसा काम कर लिया। दिस मार्क इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू हैव टू टेक डिफरेंट वन। ओके, नेगेटिव आंसर। भाई आंसर तो आंसर होता है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, भैया सब्जेक्ट ही सबसे पहले आएगा, ही या शी, फिर आएगा टाइम वर्ड, फिर नॉट, और भाई साहब सबसे लास्ट में आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हिंदी, उसने ऐसा काम नहीं किया। अब बनाते हैं एग्जांपल। थर्ड डूअर की बात हो रही है, यहां पर सब्जेक्ट जो है ही शी इट या नेम होगा, राइट? जैसे मैंने बोला सुनो उसने खाना खा लिया, तो आपने बोला हां सर उसने खाना खा लिया, ही हैज ईटन फूड। भाई सुनो, उसने नहा लिया क्या? हां सर नहा लिया उसने। ही हैज टेकन अ बाथ। उसने फॉर्म जमा कर दिया? नहीं सर उसने फॉर्म जमा नहीं किया। ही हैज नॉट सबमिटेड द फॉर्म। अच्छा सुनो, उसने घर पर बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया घर पर उसने? नहीं सर उसने घर पे इन्फॉर्म नहीं किया, बगैर बताए मेरे साथ भाग रही है। अब किसी के साथ भागना होता है इलोप, लिख लेना बीच बीच मुख है, भागना मतलब शादी के मकसद से भाग जाना इलोप होता है, राइट? शी हैज नॉट इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स। उसने अपने पापा मम्मी को नहीं बताया, इन्फॉर्म नहीं किया है, राइट? अच्छा सुनो, उसने क्या बोलता है उससे शीट सुना दी, सुनाना टेल होता है भैया, टेल की थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, टोल्ड होती है। उसने शीट सुना दी? नहीं सर बहुत झूठी है। She has not told the sheet. उसने sheet नहीं सुनाई। यार कितना क्या ये tough है? इसको tough बोलते हैं? नहीं, but example अगर आपने नहीं बनाया, practice नहीं की, लिखा नहीं notebook में, तो problem हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा example बना सको तो मजा आएगा आपको भी। तो ये था भैया आपका present perfect tense। मैं आपको ज्यादा पकाऊंगा नहीं और ज्यादा मैं खींचना भी नहीं है, right? चूंकि सबसे last में सारे टेस्ट पढ़ाने के बाद में एक बोनस वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे टेस्ट को रिकवर करेंगे एडवांस तरीके से। अभी बस सिंपल हिंदी के साथ, फॉर्मेट के साथ हिंदी होनी चाहिए, एग्जांपल होनी चाहिए, दिमाग में घुसे पहले, फिर आसानी से आपको चीजें सिंपल लगने लगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टेस्ट तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।